दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैकनिंग प्रोसीजर और क्रोम प्लेटिंग। ये दोनों एक तरह से कोटिंग ही है, लेकिन कब हमें ये कोटिंग करना पड़ता है हमारे लेथ मिलिंग ड्रिलिंग स्लॉटिंग ऐसे मशीनों में। कई बार ऑपरेशन करने के बाद पुर्जे रस्ट हो जाता है, ये रस्ट ना पकड़ ले इसलिए हमें इसके ऊपर कोई कोटिंग करना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए किया जाता है। यहाँ बहुत सारा क्रोमिक एसिड मिलाया जाता है और ये एक नॉन एक्सपेंसिव, कम से कम एक्सपेंस हो ऐसा प्रोसीजर है। जिन पुर्जों के ऊपर हमें कलर करना भी महंगा पड़ रहा है, ऐसे पुर्जों के ऊपर हम ब्लैकनिंग या क्रोम प्लेटिंग कर लेते हैं, बाद उन पुर्जों को हम मशीन के ऊपर फिट कर देते हैं। आज के वीडियो में आप इस प्रोसीजर को चलते हुए देखिए, ये लोग कैसे मुश्किल हालात में इस प्रोसीजर को करते हैं और जिसकी वजह से हमें ये पुर्जे बहुत अच्छी तरह से यहाँ मिल जाते हैं। इसके ऊपर लगने वाला लेयर बहुत पतला होता है, तो नट बोल्ट वाले थ्रेड में भी अगर ये घुस जाए तो आसानी से आप उसी नट बोल्ट का यूज़ भी कर पाएंगे, आपको थ्रेड के अंदर वो लगाने का मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों अब आपका सवाल ये भी होगा कि कौन कौन सी मेटल के ऊपर हम ये ब्लैकनिंग एंड क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं। तो जो भी फेरस मटेरियल है यानी स्टील जैसा जिसके ऊपर जंक लगता है, उसके ऊपर हम ब्लैकनिंग और क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेटल नॉन फेरस है जैसे कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जिसमें जंक लगता ही नहीं, तो उसमें आप ये कोटिंग नहीं कर सकते हैं। अब क्यों करना ज़रूरी है ये भी आपका सवाल हो सकता है। देखिए ये पॉसिबल नहीं कि हर पुर्जे के ऊपर हमेशा के लिए ऑयल लगाए रखे। जो मशीन के ऊपर बाहरी पुर्जे है वहाँ पर जंक लगना आम बात है, और इस बचाव करने के लिए पेंटिंग से सस्ता तरीका है वो है ब्लैकनिंग। ये ब्लैकनिंग और क्रोम प्लेटिंग हम जैसे कि नट बोल्ट सरक्लिप या ऐसी चीज़ें जो बाहर मशीन में रहती है और हमें जंग से बचानी भी है, तो इसे हम ब्लैकनिंग या क्रोम प्लेटिंग के प्रोसीजर से गुजार देते हैं।
swallow, swallow still. Can't believe that this is real. To be going on without you gives me chills. It's a bitter pill. It's a bitter pill.